तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आप जिस कंपनी में वर्किंग हो और वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टार्टअप आज भी ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है अपने आप में। अब इसका मतलब उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि अगर वो कहीं जॉब स्विच करते हैं तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जिस किसी कंपनी में करंटली वर्किंग हो, वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, आप कंपनी स्विच करोगे तो वहाँ पे जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट होता है तो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को एक ईमेल जाता है और उस ईमेल पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना होता है। बाकी आपका ऑफर लेटर, लीविंग लेटर, सैलरी स्लिप, ये आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। बहुत सारे ब्रांड आज भी ऐसे हैं जो इनहैंड सैलरी देते हैं, कई भी ब्रांड्स हैं अगर 4-5 है उनके एम्प्लॉय हैं तो बैंक में ट्रांजेक्शन भी करते हैं। अगर आपके पास जॉब रिगार्डिंग बैंक ट्रांजेक्शन है आपके सैलरी के तो आपको मान लो बिल्कुल किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कंपनी रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। और ये 1-2% केसेस में कहीं होता है कि आपकी इनहैंड सैलरी है और जो नेक्स्ट कंपनी है जहाँ पे आप स्विच करने वाले हो वो उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं, वो सिर्फ 1-2% होता है या जहाँ पे वो चीज़ मैंडेटरी होती है कि नहीं हमें पीएफ डिटेल भी चाहिए, फॉर्म 16 भी चाहिए और सैलरी स्लिप के अगेंस्ट मुझे बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, जहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी होती है वहाँ पे तो वो चीज़ प्रॉब्लम होती है। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है तो इनहैंड सैलरी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं यार मैंने स्टार्टिंग में ये कंपनी ज्वाइन कर ली और वहाँ पे वो कंपनी रजिस्टर नहीं है, मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होगा, मुझे लग रहा मैं इसी पे जॉब करता रहूं, तो ये अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट है तो ये मन से आप डाउट निकाल दो बिल्कुल भी। आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई कर सकते हो, बस जो मेन पार्ट होता है वो जो ईमेल करते हैं उस ईमेल पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होता है वहाँ पर। ऐसा डाउट होता है एक्चुअली, मेरे पास एक पेड यूजर थे जिनका सेम ऐसे ही कुछ डाउट था वहाँ पे, तो मैं उनका नाम तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा, बट ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सी जगह और बहुत से लोगों को, तो आई होप आप समझ गए होगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।